प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायण सामी ने कहा सरकारी सेवा मुहैया कराने में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, कहा ईमानदार अधिकारियों को संरक्षण देना प्राथमिकता। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को उच्च विकास दर के रास्ते पर लाने के लिए अगले दौर के सुधारों पर कर रही है काम, कहा वित्तीय सुदृढ़ीकरण और सुधारों की दिशा में हुई उल्लेखनीय प्रगति। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रहमान ने कहा कि सरकार सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू कर रही है। राष्ट्रीय संपादकों के दो दिवसीय सम्मेलन में सरकार की रिपोर्ट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने संपादकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अगर देश में ही माइक्रोचिप का उत्पादन शुरू हो जाए तो इससे न केवल रोजगार के अवसर पैदा होंगे बल्कि साथ ही आयातित माइक्रोचिप पर हमारी निर्भरता भी खत्म होगी। केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी का केंद्र सरकार से अनुरोध, दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इटली के नौ सैनिकों के मामले की सुनवाई के लिए कोल्लम में गठित की जाए विशेष अदालत। शनिवार को राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रक्षा अलंकरण प्रदान किए। इस बार 18 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 2 युद्ध सेवा मेडल, 2 अति विशिष्ट सेवा मेडल बार, 17 अति विशिष्ट सेवा मेडल और 14 जवानों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। पाकिस्तान में आम चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मी शुरू, इमरान खान ने मीनारे पाकिस्तान में किया विशाल रैली को संबोधित, मुशर्रफ भी चुनावी गतिविधि में शामिल होने के लिए आज आ सकते हैं पाकिस्तान। अदालत के आदेश पर अमल करते हुए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह अध्यक्ष का राजनीतिक पद छोड़कर अपने पुत्र बिलावल को पार्टी का मुख्य संरक्षक बनाया। पिछले दिनों म्यांमार के मेखतिला शहर में हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान हत्या और संपत्ति के नुकसान पर भारत ने अफसोस जताते हुए कहा कि वो पीड़ितों की सहायता के लिए हर संभव मदद के लिए है तैयार। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत म्यांमार में नापीते और मांडले के अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। सीरिया में विद्रोही गुटों ने राजधानी दमिश्क में जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिहाज से अति महत्वपूर्ण एयर डिफेंस बेस पर नियंत्रण का दावा किया। साथ ही विद्रोहियों ने जॉर्डन सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर भी कब्जे का दावा किया है। आधुनिक अफ्रीकी साहित्य के पितामह चिनुआ अचेबे का निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे और 90 समय से बीमार चल रहे थे। अफ्रीका के कथा पुरुष अचेबे को साल 2007 में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जलवायु परिवर्तन और उसके असर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कल दुनिया के कई शहरों ने अर्थ आवर अभियान में हिस्सा लिया। वर्ष 2007 में सिडनी से शुरू हुआ अर्थ आवर अभियान लोगों में जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 1 घंटे बत्तियां बंद रखने की अपील करता है। आज विश्व तपेदिक दिवस है। 24 मार्च को पूरी दुनिया में टीबी दिवस मनाया जाता है। इस दिन टीबी के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। दुनिया भर में हर साल करीब 16-17 लाख लोगों की मौत टीबी की वजह से हो जाती है। दिल्ली में खेले जा रहे चौथे टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय टीम 272 रन बनाकर हुई ऑल आउट। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने सस्ते में खोए विकेट, दिल्ली की पिच गेंदबाजों के लिए बनी स्वर्ग।